नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म की 23वें दिन की कथा, अध्याय 23 जय विजय का परस्पर एक दूसरे को शाप एवं मोक्ष। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला है? गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति नाम की कन्या थी जिसका विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ और उससे उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने यज्ञ में बुलाया, क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां चले गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार यह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मारुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को आ गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय बोला कि जो जिसको मिल गया है वह उसी का होगा। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए मगरमच्छ हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, सो तू गज अर्थात हाथी हो जा। दोनों ने एक दूसरे को शाप तो दे दिया, परंतु कुछ समय बाद जब दोनों को अपनी गलती का अनुभव हुआ तो दोनों पश्चाताप करने लगे। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा वृतांत कह शाप के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं। ग्रहा अर्थात मगरमच्छ और गज अर्थात हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए हे कृपानिधि, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री हरि बोले, मेरे भक्तों का वचन कभी छूटा नहीं होता और मैं उनको टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रह्लाद के लिए खंभे से प्रकट हुआ था, उसके बाद राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त होंगे। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राहा और गज अर्थात मगरमच्छ और हाथी बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। ये दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान के व्रत नियम आदि किया करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया, तब शाप के कारण विष्णु को याद करके मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। तब मगरमच्छ से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया। तब उसी समय शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से मगरमच्छ को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए अर्थात निशान पड़ गए, जो अब भी वहां दिखाई देते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन करो, ब्राह्मण गौ और वैष्णवों की सेवा करो, मसूर
कांजी और बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए हुए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे विप्रश्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से यह कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस कथा को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 23वां अध्याय संपूर्ण।